अस्पताल छतरपुर में पदस्थ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से 6 दिसंबर से हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उनका अनुबंध होने के बाद भी उन्हें 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि सिक्योरिटी सर्विस कंपनी द्वारा लगातार कर्मचारियों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। कर्मचारियों ने बताया कि कई बार भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कलेक्टर छतरपुर को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक वेतन नहीं मिला है। वहीं सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं और कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इस दौरान अगर जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है तो उसके लिए शासन प्रशासन सहित अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार होगा। जिला अस्पताल के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिन्हें 6 माह से वेतन नहीं मिला है, यह जानकारी लगभग हर आमजन तक पहुंच चुकी है क्योंकि 3 माह से वेतन चल रहा है और मजबूरी बस आज ये काम बंद हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर है क्योंकि स्वेच्छा से सभी कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर चले गए। इस वजह से पानी, बिजली, ऑक्सीजन जैसी कि आउटसोर्स एजेंसी के जो कुछ कर्मचारी हैं जैसे लिफ्टमैन हैं, ऑपरेटर हैं और ऑक्सीजन में लगे हुए हैं और फायर सेफ्टी में भी लगे हुए हैं, इनका मानदेय लगभग 5-6 महीने से ही नहीं आ रहा है। इसके लिए हमने राज्य सरकार को बजट आवंटन के लिए लेटर भी लिखा था और MD मैडम को भी बता दिया है।